एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होती कैसे है, इससे दो चीजें चाहिए होती है, माइंड एंड इंटेंट, मन और बुद्धि। कौन से हम सोचते हैं, बुद्धि से उसका चित्र निर्माण करते हैं। मेडिटेशन के लिए मैं फर्क वो अभी हम 2 मिनट के लिए आपको कराएंगे, क्योंकि टाइम से गेट से ज्यादा नहीं करा सकते, वो ज्यादा आपको यहाँ की विद्या के बारे में आपको सिखाएंगे। तो पढ़ते हैं तब भी हम हाँ बुक लेकर बैठ जाते हैं, भले आप आधा एक घंटा पढ़ रहे लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ पढ़े। और अगर मेडिटेशन करके पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग ये मेडिटेशन तो 7th-3rd क्लास में से कम से कर रहे हैं, तो 2 घंटे की पढ़ाई के आधे घंटे में पूरी हो जाएगी। क्योंकि फिजिकल हम कितना भी बैठे उसकी वैल्यू नहीं है, माइंड से हम वहां पर प्रेजेंट है, तो 2 घंटे की पढ़ाई भी आधे घंटे में पूरी हो जाएगी। तो वो टेक्निक हमें सीखनी है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। हम आपको विचार देते जाएंगे, आपको बोलना नहीं है, उसका दृश्य निर्माण करना है, और अब प्रैक्टिकल वैसे बन गए हैं ऐसे हमें समझना है। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे, आंखें बंद, कोई कुछ नहीं बोलेगा, साइलेंस। कुछ समय के लिए सोचना नहीं है, कुछ समय के लिए हम सब तरफ से अपने मन बुद्धि को हटाकर अपने अंदर की ओर चलते हैं, अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूं। जहां हम तिलक करते हैं उस खुशी में देखती है एक चमकते हुए सितारे को, भ्रुकुटी में चमकता हुआ मैं सितारा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा श्याम स्वरूप हूं। मुझे अपने लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो देखिए अपने उस लक्ष्य को सामने लाइए कि मुझे क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, सपने को डॉक्टर के रूप में देखिए। मुझ आत्मा में बहुत शक्ति है, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, उस परमात्मा से शक्ति लेने के लिए अब मैं आत्मा इस शरीर से निकल कर चंद्र सूर्य तारांकन से भी ऊपर जा रहा हूँ। चंद्र सूर्य तारांकन से भी पार और ऊपर, जो कुछ आत्मा का घर है वहां मैं आत्मा पहुंची। यहाँ चारों तरफ शांति ही शांति, लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। यहाँ मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा एक प्रकाश पुंज के रूप में है,
मैं आत्मा उनके सामने बैठा हूँ। बाबा मेरा दोस्त भी है। अगर हमारे मन में कोई भी उलझन है, डिफिकल्टी है, तो हम इस दोस्त से कह सकते हैं। जो भी उलझन है, इस दोस्त से कहने पर हल्के हो जाए। अनुभव करें बाबा से शक्तिशाली जैसे निकल कर कुछ आत्मा पर आ रही है, जैसे सूर्य की किरणें हम पर पड़ती है, वैसे ही शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही है। फील कीजिए मुझ में समाती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनते जा रही हूँ। भगवान से शक्ति पाकर हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो और पक्का हो गया है। जीवन में मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। आज से मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल इंसान बनूंगा। चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र है या समाज में, अपने आप को देखे मैं एक सफल सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस सफलता के मंत्र को सदा अपने साथ में रखना। और इसको याद करते हुए अपने आत्मा फिर से अपने भ्रुकुटी में बैठ जाती थी। अब मैं आत्मा अपने हर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो भी कार्य करूँगा पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करूँगा। ओम शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें